बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमान अस्सलाम वालेकुम मैं हूं आपकी होस्ट मरहबा शेख और आप सबको वेलकम करती हूं हमारी न्यू फ्रेश एपिसोड में गपशप की और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन माय नेम इज यूनुस खान एंड आई एम अ रॉकस्टार ओ ये कौन था मेरा एक ही फैन है मन फैन इज ऑलवेज ऑलवेज यस व्हाट्स अप या कुछ नहीं कहना में व्हाट्स अप मजदूर uh, और क्या हेलीपैड और क्या Space. Space, सब कुछ ही है। अब आप बताए नया क्या लाए नथिंग 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 सी इतना ऊपर गया ही नहीं मैं पता था ए सी लगा हुआ है सेंटर आ, हमारा जो है ए सी लगा हुआ है यहाँ पे माशा तेरा शुक्र है माशा ए सी बनाया उसको उसको अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करवाए बिकॉज ए सी बना आपने के आपने जिंदगी आसान कर दी जिस भाई ने बनाई है इनफैक्ट आई वॉन्ट टू एस्क यू जी पूछिए आप किसी से इंस्पायर हुए मरहबा जी इंस्पायर किस हिसाब किताब से आ, वो जो हिसाब किताब जिसे आपने दुकान पे गई में तो <laughs> मतलब देखिए सिचुएशंस अलग-अलग होती है ना आप इंस्पायर किसी से भी किसी भी उसको हो सकते हैं आप लास्ट टाइम किससे इंस्पायर हुए? अपार्ट फ्रॉम मी ऑब्वियसली मैं अपने एक दोस्त से हुई एक बात पे इंस्पायर हुई किस बात पे वो बात ये थी कि जैसे दो लोगों की मुलाकात हुई मेरे तवसत से तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो अपने बारे में बात नहीं कर रहे थे कम कर रहे थे दूसरे के बारे में जान रहे थे जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा होना चाहिए इंसान को ना कि अपने बारे में कम पहले सुने दूसरे की उसके बाद अपने बारे में देख बात करें तो ये मुझे बहुत इंस्पायर किया और मैंने कहा मैंने एक बात सुनी हाँ? वो मर्द मर्द थे मर्द ऑब्वियसली क्योंकि औरत तो ज्यादा बोलती है सुनती कम है जी सना जी आप किस लिहाज से पूछ रहे मैं भी यही पूछना हर लिहाज से <laughs> नहीं किस लिहाज से मतलब शख्सियत कुछ भी एनीथिंग यू इंस्पिरेशन तो आपको छोटे बच्चे से से मिल जाती है exactly. जो नीचे रोटी उठा के मैं हमेशा मैं हर बार और हर वक्त हर लम्हा में जब भी अपने घर से भी निकलती हूँ तो मैं अपने बाबा से बहुत ज्यादा होती हूँ अच्छा की किस तरह से वो मतलब अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रख रहे होते हैं सपोर्ट कर रहे होते हैं मतलब इतनी गर्मी में हर हमारे इतने नखरे होते हैं की बाहर नहीं जाना कुछ नहीं करना सो एक कोई शिकायत नहीं करते कुछ नहीं करते तो मैं उनका हौसला देख कर हमेशा ही जो है वो ये कोशिश करती हूँ कर so कुछ ऐसे लोग हैं उनकी ईमानदारी सेमीन थी टैग मेरे पास था वो तो बहुत सारे लोग के आप लोग तो हैं ही हैं मगर और भी लोग हैं मेरी लाइफ में जो चीज पे इंस्पायर बता नहीं सकती मगर बहुत ईमानदारी का मुजाहरा किया मैं समझ गई आई नो ये कौन इंटरनल जोक्स चल रहे हैं Uh, मैंने तो कुछ नहीं बताया मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि शायद अफरीदी भी इंस्पायर हो गए किससे आपसे मेरे कायद शबाज ए? शरीफ साहब से शबाज स्पीड से मोटरवे पे उन्होंने ओवर स्पीडिंग की है और पंद्रह सौ रुपए का चलान हुआ है ताले होने चाहिए चलान पे तालियां कौन मारता है देखिए यही मैं बताऊं मोटरवे की पुलिस Yes. उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी नहीं छोड़ा उन्होंने शायद अफरीदी साहब को भी नहीं छोड़ा hmm. शायद अफरीदी आई एम अग फैन मेरे सामने आएंगे तो मैं शायद स्टार हो जाऊं मैं कुछ एक लफ्जा निकल पाए मेरे मुंह से बट उनको रोका उनका चलान किया दैट मीन मोटर में पे तो इंसाफ है ये अच्छी बात है अच्छी बात है यही तो है अच्छी बात है कि अब इंसाफ हो रहा है वहाँ पे नहीं मोटर पे हमेशा इंसाफ हुआ है बैलेंस करके चल रहे हैं तो बहुत अपार्ट फ्रॉम फ्यू इंसिडेंट्स हुए लेकिन बट ओवरऑल देखा जाए कि रूल

रफ्तार कुछ इस कदर तेज है जिंदगी की जी रफ्तार कुछ इस कदर तेज है जिंदगी की जी जी सुबह का दर्द शाम को पुराना हो जाए बट वा। वा. वा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मौका मिले जी जी कि आप अपनी जिंदगी आसमानों में गुजारे नीचे आने की जरूरत ही नहीं वो तो औरतें करती भी हैं बट मैं प्रैक्टिकली कि अगर आपको आसमान पे छोड़ दिया जाए खाना पीना ट्रैवलिंग शॉपिंग एवरीथिंग अगर आपको मौका दिया जाए कि क्या आप ये अवेल करेंगे बिल्कुल भी नहीं वह मुझे याद आ गया मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक खातून फंस जाती है स्पेस स्टेशन में होती है वो और वो वहाँ स्टक हो जाती है और जैसे तैसे वो दुनिया में वापस आती है जो भी उनके साथ होता है मुझे याद है वो टॉर्चर था मेरे लिए वो मूवी देखना क्योंकि जब वो जमीन पर है ना मुझे ऐसा लगा मेरे में मैंने जमीन पे पैर रखे तब मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि जमीन पे पैर लगते हैं और एक ग्रेविटी जैसी चीज अल्लाह ने बनाई है तो मुझे बिल्कुल शौक नहीं है अकेले नहीं आप को पांच हजार लोग भी साथ है फिर नहीं 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 फिर भी नहीं आप बताएं फिल्म की कहानी लग रही है, है नहीं नहीं, लोगों के साथ वही है, पैसा मिलेगा। पैसा। ये लालची कौम का मसला है पैसा दो उसके बाद हमें उल्टा भी लटका दो हम रेडी मिलेगा। इसमें भी शराइ नहीं है ये आप तो मैं कहता हूँ कि बहुत जल्दी आपको इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े आजाद उम्मीदवार हो के आप गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करें आपके एक वोट के लिए मुझे लगता है बीस करोड़ क्या दो करोड़ लेकर आएंगे आप जी लड़ाई होने चाहिए जी जी जी, जी आप बताएं उर्शिया हुसैन जी बिल्कुल जाना चाहूंगी और कभी नहीं नहीं आना नीचे हाँ मतलब आपको लाइफ में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने चाहिए नाइस अब मैं आपको बताता हूँ मैंने आपसे क्यों कहा जी बताइए खुद की बताए पहले आप मैं जी ये गरीबों के शौक है आसमानों पर

Oh. पांच हजार बंदा आसमान पे रहेगा और वो जो जहाज है वो ए आई टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका जो इंजन है वो न्यूक्लियर वाला इंजन है wow. तो वो आसमान पे ही घूमता रहेगा और आपने दुनिया घूमनी और वहां पे एक उस डिजाइन में उस प्लेन में एक डिजाइन ऐसा है कि 360 व्यू होगा आपका uh. आप ऊपर भी देख सकते हैं राइट एक, एक ग्लास में hmm. आप आसमान में खड़े हैं

कोई हमने सेंटेंस नहीं डालना है वन वर्ड आंसर करना है ठीक है अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करें आगे लाइफ में तो वो किस में करेंगे कोई जहाज कश्ती या कोई गाड़ी कोई ऐसी चीज बताएं जिससे दुनिया का फायदा हो जी एक वर्ड वन वर्ड सदका सदका वाह 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 दुनिया का फायदा किया आपने? ही नहीं आखिरत का भी फायदा वाह वाह वा, क्या बात है जी जी आप बताइए मैं एक अलहदा प्लेनेट में जाना पसंद करूंगी मैं कोशिश करूंगी कि मैं वहां की पूरी जमीन खरीद सकूं फिर वन वर्ड का कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई थी सना जी प्लेनेट वैसे लगता भी है आपको जरूरत है किसी किसी और की। तो आप किसी और प्लेनेट प्लेनेट की की आप लगती हैं ऐसे कुछ नहीं है पूरी रियासत बना गो गो बैक बैक टू योर होम जी आप बताइए जी आ, बहुत ऊंचाई पे यानी के वैलीज पे जाके बहुत बड़ा सा घर हिमालय पर्वत हाँ ऊंचा के की चोटी पे घर ले, ले लें आप कह सकते हैं कह सकते हैं जी कह सकते हैं ले भी सकते हैं आप अगर पैसे वाले हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं बट मैं आपको बताऊँ तो तो ये बहुत जरूरी है आप तब अगर डिप्रेशन में है तो आपको नेचर के करीब जाना चाहिए सेम चीज हुआ एक आदमी के साथ वो डॉक्टर के पास गया उसने कहा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है डॉक्टर ने बोला अच्छा बात करें मुझसे उसने अपनी कहानी बताई चीजें बताई डॉक्टर ने बोला देखें ऐसे तो लगता नहीं है आपको कोई बीमारी है बट मुझे लगता है कोई एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से खाती जा रही है खाती जा रही है खाती जा रही है उस बंदे ने कहा आहिस्ता बोलो मेरी बेगम बारी खड़ी है बीवी <laughs> अंदर आ गई उसे सुन लिया गुस्से में फुल एंग्री फुल अमिताभ बच्चन चल रही है उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ये बताएं मेरे शौहर कैसे ठीक होंगे तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपके शोर को आराम की जरूरत है तो ये नींद की गोलियां ये इनसे आराम आ जाएगा तो बेगम ने कहा कि मैं इनको सुबह दूं 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 रात खाने खाने से पहले खाने के बाद कब तो डॉक्टर ने बोला ये उनके लिए नहीं है ये आपके लिए है आप खाएंगी ताकि उनको आराम आएगा ब्रेक का भी टाइम हो गया इससे पहले हम नींद की गोलियां खा लें और जो कि नहीं खानी आवाम ने भी नहीं खानी नींद की गोलियों से दूर रहो मेहनत करो मजदूरी करो और जो थक के नींद आती है उस नींद का मजा ही अलग है मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में और ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी अभी एक बहुत अहम मौजूद या अहम खबर कह सकती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिल संभाल कर बैठे महंगाई तो होने वाली नहीं महंगाई नहीं हो रही लेकिन दिल की बात जो मैं कर रही हूँ कि दिल जरा ना आपने अपने दिल का ख्याल रखना है क्योंकि होगा ये कि अगर आप अपने दिल का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको दिल का आर्जा हो जाएगा अगर आपको दिल का आर्जा हो जाएगा तो इसके इलाज के लिए आपको लंदन जाना पड़ेगा ठीक है। और जब आप लंदन जाएंगे तो उसके बाद होगा ये कि कुछ साल तक आप जो है आप आपका जो मर्ज है वो ठीक नहीं होगा लेकिन उसके बाद होगा ये कि जब आपकी हुकूमत आ जाएगी उसके बाद आपका मर्ज ठीक हो जाएगा फिर आपका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन हो जाएगा और फिर आप पाकिस्तान आ सकेंगे तो इसमें बुराई क्या है इसमें कोई बुराई नहीं है इसमें शर्म की बात है शर्म की बात सिर्फ ये कह सकते हैं कि इसमें शर्म की बात है हो क्या रहा है वो मैं आपको बताती हूँ कि जी आपके सबिक वजीर खारजा इसहाक डार साहब इसहाक डार साहब जो है उन्होंने कह दिया हाथ में टिकट लिए उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ ओहो <laughs> ये बकायदा से उन्होंने ये, ये। वो डरते नहीं है हाँ। तो उन्होंने तो साफ कह दिया है कि अगले माह जो है वो मैं यहाँ पाकिस्तान आ रहा हूँ कुछ भी हो अपने आवाम का दर्द महसूस करते हैं वो वाह वाह मुझे, वाँ। 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 मुझे आ, थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्या किस चीज के लिए कितने अमीर आदमी है ठीक है

अच्छा नहीं ये नहीं बोल सकते हैं सबूत भी मिट गए होंगे आप ये कहना चाहते हैं की क्या हमारा जो इंसाफ है वो से वो है क्या कह सकते तो, के हैं इंस्पायर है या उसके अंदर आते नहीं हमारा जो इंसाफ है वो इंडिपेंडेंट है Hmm. और वो सबसे ऊपर है जो तो ये अब उनका डर ही नहीं है कोई डर ही नहीं होगा ये केस वेस होगा ना 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 वो आएंगे

लोग कहते कुछ नहीं होता दिल ये होता है, है। हाँ दिल है दिल है कितने सदमे बर्दाश्त करेगा के मानता नहीं तो मैं <laughs> लेकिन दिल तो बच्चा नहीं है जी लेकिन दिल की बात हो रही है तो मैं आपको जरा यूं ही बता दूं ये बताइए बताइए कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनके ऊपर जो केसेस हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूं कि 22 साल छुपाने का इल्जाम जो है वो हमारे जो है वो सबक वजीर खजाना के ऊपर है छुपा के, के रखे हैं है जी, है। जी, जी दूसरा इल्जाम मैं आपको बताती हूँ इल्जाम नहीं ये है, बस है हकीकत है, जो भी है मैं कुछ नहीं कह रही जी जी। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये ओवरऑल ये मामला लेकर गए जब ये वो केस चल रहा था उस वक्त जो है वो ये ना आ पाए यहाँ पर और वो लंदन चले गए मैं ये नहीं देखिए मैं वो बता रही हूँ जो खबर है कि वो उस वक्त पेशी के लिए नहीं आए उन्होंने केसेस का सामना नहीं किया वो लंदन चले गए मतलब वो भाग गए बीमार थे डॉक्टर ने कहा था आप थोड़ी ना वर्जिश करें और ट्रेडमिल पे दौड़े वोड़े तो वो ऐसा दौड़े कि बस दौड़े दौड़े कहा दोड़े। था आप जो है ना हवा पानी चेंज करें सही बात है तो कितना लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ की अगर आप कानून होते या आप कानून दान होते जज होता मैं जज होते कानून दान होते अगर आप तो आप मुझे बताए पानदान तो सुना कानून दान कानून के रखवाले जी कानून बनाने वाले पुलिस वाला होता मैं कानून के रखवाले अरे नहीं चा? ना कानूनदान मतलब कानून बनाने वाला लोगों को कानून के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने वाला तो ये जज जितने भी होते हैं जुडिशरी या जुडिशरी तो, जज हैं जी एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहते जुडिशरी कहते जुडिशरी कहते ठीक है जी तो मैं आपको बताती हूँ अगर आप कानून दान अभी आप नहीं है अभी आप कानून दान दान कानून है अगर आप कानून दान है तो और मैं बहुत करप्ट आई मीन सॉरी मुझे मेरे ऊपर बहुत सारे सॉरीज है और मुझे अचानक से बाहर जाना पड़ा और मेरी हुकूमत आ गई या कुछ भी ऐसा हो गया मैं वापस आ रही हूँ आप लोगों को क्या लगता है अगर आप कानून दान होते तो मेरे ऊपर आप मुझे क्या सजा देते मैं माफ कर देता कैसे माफ कर देते इंसान ऑलरेडी बीमार है एक बीमारी से आ रहा है और मुल्क में आ रहा है अपने मुल्क में आ रहा है मैं वो ठीक है चले कोई बात नहीं केसेस जो है वो मैं देखूंगा कि केसेस कितने सही हैं और अगर, अगर मैं कहती कि मुझे वापस जो है वो अपनी कोई वजारत चाहिए या वजीर खजाना बनना है तो, तो क्लियर हो जाएंगे तो बन जाएंगे अच्छा मैं तो बिल्कुल भी नहीं खुद ही बता रहा बाईस साल से मैंने अपनी कोई एक भी जायदाद नहीं दिखाई आप लोगों को कैसे आप मुझे माफ कर सकते इमरान खान साहब ने भी नहीं दिखाई वॉट इमरान खान साहब ने बाईस साल पहले साल सोलह साल की जायदाद नहीं दिखाई दो बेटे उनके सोलह और पंद्रह साल के पाकिस्तान में कभी दिखाया नहीं उन्होंने फोटो <laughs> देखी हमने जो मैमा हमारी जो एक्स भाभी है, हैं उनकी फोटोज ही देखी है अपने बच्चे तो आप मुझे माफ कर देते माफ नहीं मैं केसेस देखूंगा हाँ। आपके जो मुझे पता है झूठे केसेस है oh okay I'm hundred percent sure जी ऐसे कानून दान हमारे पास सब आ, के साथ। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह बेल पे रिहा मुल वजीर की सीट पे बैठ सकते हैं और उसके बाद साबित हो जाते कि जी तमाम एक तो गवाह ही नहीं रहते फिर केसी वो केसेस झूठे साबित हो जी। जाते जी। जी। तो ये तो फिर भी हो जाएगा सब सर मुझे माफ कर देंगे आप माफी मांग किससे रहे

ये ये एक एक आंसू आया भागे ये हुआ हुआ मैं, है मैं आपको आपको बात बताऊं यूनिस कि कि आज 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 हाँ, चलें दो बताती हूं आपको जो है ना उसके मसले हल कर दिए जाए आज उसकी सारी चीजें ठीक कर दी जाए इमरान खान साहब को क्या मतलब किसी को भी भूल जाएंगे ये लोग और जैसे कि आपने कहा जी, मुझे नहीं मैं बिल्कुल इसकी माफ नहीं करूंगी क्योंकि आपसे सारी चीजें पूछूंगी कि भाई आपने क्यों किया क्या किया तो पूछते पूछ ले मायर फिर सुने तो सही जब तो आप, भी नहीं हो रहा सुने तो सही ना जब सारी इन्वेस्टिगेशन होगी तो आप तो मुझे नौकरी से निकलवा चुकी होंगी ना क्योंकि आपके पीछे पर्ची चल रही होगी हाँ स्मार्ट लेकिन अभी देखिए झूठ बोलने की बात हो रही है तो अभी एक बहुत बड़े इदारे ने झूठ बोला है किसे? और ये ऐसा झूठ बोला है मैं बताती हूं आपको ऐसा झूठ बोला है आ? कि मुझे लगता है कि ये बड़ा है है कि इे जब झूठ बोलने लगे तो आवाम बोला? बोला? ना कि गोलियां जब अपने ही घर में अगर चलाई जाए तो इंसान बाहर जाएगा भी तो क्या करेगा बिजली बनाने वाली कंपनी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा मशहूर है बिजली तो आती नहीं है लेकिन वो कंपनी बहुत मशहूर है उसने कहा है भाई कि कराची में कराची के एक एक इलाके में जो है ये झूठ है कि 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही कराची के आवाम को जो है वो बिजली प्रॉपर मिल रही है तो बिजली बनाने वाली कंपनी ने साफ कह दिया कि जी हम तो जो है वो प्रॉपर बिजली दे रहे हैं एक भी इलाके में बारह घंटे की लोड शेडिंग नहीं हो रही अब मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्या सोचा है क्यों इतना बड़ा झूठ बोला क्योंकि जितना मुझे इल्म है बारह घंटे की लोड शेडिंग हो रही है एक साथ नहीं हो रही दो दो घंटे करके हो रही है या एक एक घंटे करके हो रही है ने, यकीन झूठ बोलने में तो देखे ना झूठ बोलने में तो मास्टर किया हुआ ना झूठ बोल सकते हैं ये क्या कह रहे हैं झूठ नहीं है सच क्यों बारह घंटे की लोड शेडिंग किसी एरिया में नहीं हो रही

हाँ, लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है बाकी ग़ुरब ग़ुरबत तो नहीं मिटाई लेकिन सबको उस लकीर तक लेकर आ रहे हैं ओ exactly. सॉरी मैं भूल गया मेरे घर में तो

कोई मसला नहीं नहीं ये 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 आवाम है ये पाकिस्तानी आवाम या या तिलिए या चाहे उसको हलवे की लालच दे चाहे उसको हलवे की लालच दे दें हम हां हलवे की लालच वाह वाह देखिए अब देखिए ज्यादा लंबी ना करें इस बात पे मैंने यह कहा था कि जो किसी के 22 साल के एसेट्स से छुपाए गए हैं मैं भी छुपाना चाहता हूं मैं नहीं सामने आना चाहता मैं बहुत गरीब हूं मैं मैं खानदानी गरीब हूँ मेरे माँ भी गरीब है हम गरीब, गरीब, आ, गरीब। ऐसे नहीं कि पहले अमीर से गरीब हो गए शुद्ध गरीब बिल्कुल लेकिन यहाँ पर जी बिजली बनाने वाली कंपनी ने ये कह दिया है कि कराची में जो है वो पहले तो जो हमारा बिजली का बहरान था अगर मैं बात करूँ शॉर्ट फॉल की तो पाँच जो है वो था लेकिन अब जो है कराची में बढ़कर पाँच से जायद जो है वो शॉर्ट फॉल हो गया है तो उन्होंने कराची वालों पर इल्जाम लगाया है कि हम तो जी झूठ नहीं बोल रहे कराची वाले झूठ बोल रहे हैं हाँ सही बात है हम झूठ बोला हैं, हम लगा हैं। लगारे लगारे है ना, है ना हमारे पास कोई काम नहीं था हमने का लो जी हमारे पास क्या? कोई टाइम नहीं हम झूठ बोल रहे हैं और हमारे इसी झूठ बोलने के साथ जो है वो एक और बड़ा झूठ है वो है जी की ब्रेक का टाइम हो गया है और लेते एक छोटा सा झूठा मूठा ब्रेक गई Welcome back, अभी जो है मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी गुड न्यूज शेयर करना शे? चाहती हूँ वो हमारे दिलों में हैं जैसे चुन्ती, है। है। चुन्ती आ, good news है। जी जी बिल्कुल okay. तो छोटी छोटी ख्वाहिशात है हमारे दिल में जो कि अल्लाह करे कि हम सबकी ख्वाहिशात जो है वो पूरी हो जाए जायज जायज़ ये कहना जरूरी होता है

Exactly, that's my yeah. point. और ये जो स्कूल की की अगर बात जाए तो इसीलिए उन सब चीजों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए इन बच्चों के लिए भी मिलती exactly. रही है। yeah, मुफ्ता, जागी हमारी। <laughs> मुफ्ता पाकिस्तानी जागी। फ्री में मिल हमें नहीं मिल रही तो मांगो 50 रुपए देने हैं जी हमारे चैनल में हमें बर वक्त जो है वो हर वक्त चाय मिलती और हम अपने कायद की बात सुनी हुई है एक चाय आपको फ्री में मिलेगी दूसरी चाय के पैसे दें ताकि आय पीना कम हो क्योंकि टी हम एक्सपोर्ट नहीं करते सपोर्ट करते हैं एंड हैविंग said दैट मैं आपको बताऊं कि आपसे पूछना है कि जो गिलगित बल्तिस्तान की बेल्ट है पूरी यहां पे जो स्कूल है बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल जो है जो कि आधे नहीं पूरे गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है ठीक है यहाँ पे सवाल यह है कि जो टी टाइम है जी। उसकी जगह टी मिलेगी या लस्सी और सत्तू मिलेगा देखिये यूनिस जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हाँ। क्या चीज बच्चों के लिए ठीक है देखे आप चाय के, के लिए मेनू नहीं पता देखे हुकूमत सिर्फ अल्लाह की अल्लाह की हुकूमत है ये बाकी सब जो है ये, ये चोर है

नहीं नहीं मैं चाहता हूँ मेरे अकाउंट में कम से कम एक अरब डॉलर तो पड़े हो <laughs> ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश है अब आवाम के लिए ख्वाहिश बताना चाहता हूँ कि देखिए अब मेरी ये है कि इन शाह आएगा एंड आई कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग जो है प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकालेंगे अपने और गवर्नमेंट yes. स्कूल में डालेंगे और हालात की वजह से नहीं बट फॉर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट इज गिवन इन गवर्नमेंट स्कूल देखिये मुझे ये बड़ी अच्छी चीज लगी कि अगर आप देखें ना कि सरकारी स्कूलों की बात करें hmm. अगर आप तो सरकारी जितने भी इधारे हैं hmm. स्पेसिफिक अगर तालीमी इदारों की बात करूँ तो वहाँ वो बच्चे जो है वो जाते हैं पढ़ने के लिए जिनके अंदर पढ़ाई की लगन तो होती है जिनके माँ बाप बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी जो है वो बड़ी होकर कुछ बनेगी एंड देन उनका नाम रोशन करेंगे लेकिन अफसोस के साथ क्योंकि उनकी इतनी जो है वो इदारे में अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में बिलीव है, कर तो करते हैं और सरकारी स्कूल में भेजते हैं लेकिन अफसोस के साथ क्या होता है कि हमारे यहाँ उस तरह, उस तरह का निजाम नहीं है उस तरह का नहीं है कि हम जो है अपने बच्चों को भेज तो देते लेकिन जब आप जाए या पांचवी

जो दूसरों की मदद करे दूसरों के काम आए जी तो बच्चा आगे से बोलता है टीचर टीचर एग्जाम के टाइम पे ना आप खुद इंसान बनते हैं ना दूसरों को बनने देते हैं, व्हाट इज दिस बिहेवियर चिल्ड्रन बहुत गलत बात है लेकिन आप जो न्यूज़ लेके आई हैं वो आ, काफी अच्छी न्यूज़ है ऐसा सिर्फ वहीं नहीं बल्कि मैं कहूंगी कि हमारे मुल्क के बाकी सारे जितने भी हैं इलाके कहले सूबे कहले शहर कहले हर गवर्नमेंट सेक्टर हर गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए हो रहा है नहीं नहीं कहाँ हो रहा है मतलब स्कूल काफी ऐसे स्कूल हैं जो गवर्नमेंट स्कूल हाँ, लेकिन के भी हैं नहीं, हो, है हो रहा लेकिन मैं कह रही हूँ कि हर जगह पे हो जाना चाहिए क्योंकि अब मुल्क आजाद हुए हुए अब तो पचहत्तर साल हो रहे हैं बहुत वक्त गुजर चुका है और इस वक्त तो हमें कहाँ से कहाँ नहीं पहुंचा पंजाब में हो रहा होता ना तो इनके शोशे ही इतने होते कि हमें एक एक बंदे को पता होता की फिलहाल जगह पर इस तारीख को इस वक्त जो है वो फ्री की रोटी या फ्री की चीज मिल रही है फ्री की रोटी नहीं देखा जाए तो बुक्स होगी या फिर आपको यूनिफॉर्म हो गया फिर आपको शूज हो गए या फिर आपको एग्जैक्टली हाँ, हाफ जो है वो भी फीस भी नहीं होते। जी, नहीं होते, फ्री लेकिन तो तो नहीं तो नहीं फ्री मैं, होती है फ्री अलॉट की जाती है इवन कॉलेजेस में भी इंटर तक

मैं क्लास वन से क्लास से का तो नहीं आ, कह सकती लेकिन नाइन मैट्रिक और जो इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ती है और एडमिशन फीस उसके अलावा और कोई चार्जेस उन्हें पे नहीं करने पड़ते लेकिन यहाँ पे भी बात आती है जिससे पढ़ना है ना वही यूनिट्स वाली बात है पढ़ना है जिसे तो वो पढ़ेगा नहीं पढ़ना तो वो नहीं पढ़ेगा वो डंडे से पढ़ेगा जिसको नहीं पढ़ना वो डंडे से पढ़ लेता है मैं आपको बता रहा हूँ आपने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि फीस देनी पड़ती है आप गवर्नमेंट टीचर रह चुकी हैं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ जी, जी आप रह चुके नहीं नहीं मेरा दोस्त रह चुका है अच्छा। तो वो बोलता था कि मैं स्टूडेंट्स को बुलाता था और अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें नहीं पढ़ना तो मैं सबसे सौ सौ रुपए लेता था सही तो सौ अगर दस बच्चे भी है तो हजार की दिहाड़ी हो गई और ये जो आप कह रही ना एडमिशन फी ये वो आधा उधर भी चला जाता है तो मेरे दोस्त ने ऐसे सौ सौ रुपए जमा करके एपटाबाद में घर बनाया है और अभी उसका गांव है सांगड़ वहां पे भी घर बनाया है और अब वो प्लानिंग कर रहा है लंदन में, में फ्लैट खरीदने का तो गवर्नमेंट टीचर बन जाओ बहुत स्कोप है हाँ लेकिन मेरा कहने Very का nice. जो मकसद था एक ही चीज़ मैंने इतनी बड़ी बात कही थी वो सिर्फ इसलिए कही थी कि उनमें जो होते हैं उनमें सख्त नहीं होती कि वो अपने बच्चों की आला तालीम जो है वो अफोर्ड कर पाए तो उनको अच्छा खाना कैसे खिला सकते हैं तो हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको खाना प्रोवाइड कर दिया गलत है बिल्कुल जी बहुत अच्छी जी 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 सना जी आपने बहुत अच्छी बात की है और हमारे ब्रेक का टाइम भी हो चुका है तो मिलते हैं जी छोटे से ब्रेक के बाद भोग लगे खाना दो बैक आफ्टर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या 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 हो 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 है भाई कभी उनके लड़के और कभी उनके इस तरह के मामला आपसे कोई बात लीक हो गई है तो जी पाकिस्तानी लड़की थी वो तो पुरानी आदत है। थी और हमें फंसा लिया ये वो लेकिन अब क्या हो रहा है मध्य प्रदेश एक स्टेट है इंडिया की वहां पे होता ये है कि चौबीस साल एक लड़की है जो के टीचिंग करती है शोबे से वो टीचर है आप इतना परेशान मत जी जी वो टीचर है जीजे? और जैसी बात है पढ़ी लिखी लड़की थी तो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स भी बहुत थे जीजे? अब हुआ जी? ये कि अब माशाल्लाह से हमारे मुल्क के लोग हैं ही इतने प्यारे अभी उनके लोग हमारी खुतिन से तो तो शादी तो कर हो जाते दे, हैं, डेटा लीक कर देते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे ये यह हुआ कि उन खातून को यहाँ के एक लड़के से हो गई मोहब्बत okay. अच्छा, मोहब्बत के मामला इस कदर बढ़ गए कि बस मोहब्बत कहाँ सरहदें देखती है बस वो पहुंच गई अटारी बॉर्डर अमृतसर से होती हुई अटारी बॉर्डर पे पकड़ी गई अच्छा सी बात है ऐसे कैसे पाकिस्तान पहुंच जाएंगी हमारी सिक्योरिटी बहुत सख्त है okay. हमारी आर्मी की सब पे नजर है हम चित्रोल तो, 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 कर देते हैं हाँ लेकिन वो पकड़ी गई उन्होंने यही बताया कि मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ जैसी बात है वो लाहौर के थे जो भी थे मुकर गया तो, फिर वो नहीं नहीं वो मुकरे नहीं ऐसी बात नहीं है हमारे पाकिस्तानी नाम क्या बताया खातून का नाम के पीछे ना पड़े हम आ, कोई भी है दूसरे मुल्क की लड़की, लड़की हो या इस मुल्क की लड़की मुख्य इज्जत रखनी चाहिए नाम बताएं वो मेरे चक्कर में तो आई है ओह माय गॉड पता था पता जाने था। कौन सी बॉर्डर पकड़ी गई है <laughs> ये किस साइड पे है पंजाब दूर कैंसिल नहीं नहीं, आपकी तो घूमते हैं जाए आ, नहीं, टिकेट, टिकेट आ, अच्छा। वाले अगर तो? ऐसा ही है, तो। नहीं, नहीं, है। लड़कियाँ भाग जाती हैं और माँ बाप अल्तजाए करते रह जाते और मामला हल नहीं हो पाते खैर ये तो चौबीस साल की थी जो भी थी मेच्योर थी इनकी अपनी मर्जी से यहाँ पे आने की इन्होंने ख्वाहिश की लेकिन बहुत ही बेवकूफाना हरकत है फिर इसका क्या हुआ मुझे जानना है पकड़ी गई पकड़ी गई इतना आसान नहीं है हमारे मुल्क के लड़के से मतलब

तो मैंने धुएं से वो रिंग बनाया हॉकी okay, की रिंग है? जी जी वो धुएं से रिंग बनाया तो साथ में मेरी पप्पो की बेटी बैठी हुई थी hmm. तो उसके हाथ में धुएं की रिंग चली गई okay. हमारी मंगनी होगी तो okay. स्वीटी मुझे भूल जाओ ना hmm. तुम्हारा नहीं हो सकता मुझे नहीं पता था कि बर्गर्स के भी यही वाले होते हैं बहाने पुप्पी बर्गर की हो बन कबाब की हो पुप्पी पुप्पी होती <laughs> नहीं लेकिन सीरियसली अगर देखें लड़की ने मोहब्बत की अगर इस तरह से इंतहा दिखाई है तो मेरे ख्याल से बेवकूफी है ठीक हाँ, हाँ। है बेवकूफ़ी माना बेवकूफ़ी है आप इस तरह से सरहदे तोड़ कर जाएंगे हमें बाफुता, बाफुता नहीं मालूम कि हो क्या रहा है क्या इनकी जो है वो इसकी क्या सूरत हाल है क्या नहीं है हमें नहीं पता है खातून पाकिस्तानियों की मोहब्बत में आ सकती है इंडिया से क्यूँ नहीं है पता नहीं हो वीजा के पैसे अरे नहीं वो हम पाकिस्तानी है हमने रशिया से सर आपने भेजे क्यों नहीं उसके लिए वीजा आपने टिकट क्यों नहीं करवाई हाँ ना बताएं मुझे असल में मैं आपको हाँ। अब मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाना फाश के पैसे नहीं थे आपके पास उस खातून ने मुझे कहा कि मैं आना चाहती अच्छा मैंने बोला ठीक है हम वीजा लगाते हैं मैं आपको पैसे भेजता हूँ सारी चीज हमारी तय हो गई ठीक है डॉलर में हमारा एक्सचेंज हो गया फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं वीजा लेके नहीं आऊंगी मुझे किक नहीं मिलेगी मैंने ऐसा क्यों कह रही है उन्होंने कहा कि मैं सना कादिर जी की पोइट्री सुनती हूँ <laughs> और वो जो इश्क की इंतहा है मैं चाहती हूँ फील करूँ बॉर्डर को पार करते okay. इस चक्कर में वो यानी कि भूख और भी, भी। सॉरी फिर वो आपकी मोहब्बत में नहीं सना कादिर की मोहब्बत में आ रही लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि वीजा लगवाना चाहिए लीगल वे में आना चाहिए मोहब्बत क्या है मोहब्बत ये थोड़ी आपका सेंस लूज हो जाए जो प्रॉपर तरीका है प्रोसीजर वो फॉलो करें तो आपने टिकट के पैसे क्यों नहीं भेजे आपने नहीं तो आपके इश्क में वो अंधी हमारे जो है वो अंधी तो नहीं कहूंगी मैं प्यार आ, वैसे ही अंधा होता है जी बराल, जी। लेकिन आपके इश्क में वो तक तो पहुंच गई और एक आ, आप बेवफा निकले जी जी उसका नंबर ब्लॉक करके बैठ गए पहली बात तो मैं बता उनको बॉर्डर से छुड़वा कर लेकर आए देखे पहली बात तो आ, आपने ये क्या की वो अंधी होगी ठीक है मुझे बुरा लगा आप ये कह रही हैं कि वो अंधी प्यार में अंधी जी जी आपको आंखें वाले भी नहीं मिलेंगे इस एटीट्यूड के साथ ठीक है आप ये अपने आप को जरा ये चीज रखें हम्बल रहना चाहिए अखलाक अच्छा रखना चाहिए ठीक है किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए अंधी <laughs> आपने ऐसी लड़की को अंधी बोल दिया अरे उषा प्यार जी के साथ वो भी बहुत प्यारी है जी 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 भी बहुत प्यारी है। मना कर रहा हूँ अखलाक जरूरी है देखिए ये जो है दस साल पंद्रह साल बीस साल खत्म exactly. ये रहता है अभी, अभी ये चौबीस साल कहने वाले थे ने, ने, ने ने मैं मैं शौर्ट मेरी शौर्ट मेरी, शौर्ट, मेरी शौर्ट ये कोई लड़की है दो साल बड़ी है मैं माशा बिल्कुल बिल्कुल आपकी भी उम्र बढ़ने वाली नहीं है और ना ही मीरा जी भी बचपन से समझे बड़ी है

यूएस ने अटैक किया था और वहाँ पे आए थे तब भी ऐसा हुआ था कि अफगानी यहाँ पे माइग्रेट होकर आ गए थे इस बार भी यही हुआ पिंडी में ये भी सुनने में आया कि वहाँ पे एकदम से डिमांड बढ़ गई कराये के घरों की लेकिन होता क्या है कराची में एक अफगानी सिटीजन जो है वो कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिन्हें टर्मिनल पे पकड़ा जाता है एफआईए की तरफ से कहा जा रहा था वो वो जाने की कोशिश तो करे थे दुबई लेकिन महबूबा से मिलने वहां भी नहीं नहीं अच्छा वो अपने काम और कारोबार ऐसी बातें लोगों के घर तबाह हो गए कारोबार हो गए दुण दुण ऐसी दुण में देखें मेहनत करें थोड़ा सबर करें इन अल्लाह आपकी कश्ती पार लगाएगा लेकिन इलीगल काम मत करें उन्होंने ये किया कि जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया पाकिस्तान का और उस पर फिर बनवाया जाली पासपोर्ट उस जाली पासपोर्ट के तहत वो सफर करना चाहे थे दुबई का टिकट इशू सब चीजें हो गई लेकिन माशाल्लाह से फिर मैं एक बार फिर दाद दूंगी हमारी एजेंसीज का और एफआईए का भी yes. कि उन्होंने फौरन ही उनको डाउट हुआ उन्होंने जैसे इन्वेस्टिगेशन की तो ये आ, मालूम हुआ कि वो सारे के सारे उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फेक थे उनको वहीं पे रोका गया वहीं पे उनको फ्लाई नहीं करने दिया और वो पकड़े गए इस पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों मामला आपका देखें, आप 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 देखें। लीगल कोई भी काम मत करें कुछ असूल अपना लें थोड़ा सा हम लोग जो क्या करते हैं हम लोग ना जहाज पे बैठने देंगे और जहाज में बैठने वाले को ना नीचे भी गिरा देंगे <laughs> इतने बिक्रिल नहीं है हम इतने बुरे नहीं है लेकिन हम जिसको जहाज से गिराते हैं उसको फिर चाय पिलाते हैं इन खातून को भी पीस जेस्टर के तौर पे हम यकीनन वापस ही भेज देंगे क्योंकि पाकिस्तान अटेंटिव बहुत है आर्मी हमारी बहुत अटेंटिव है लेकिन जालिम या दिमाग खराब दी है हमारी कौम का इसी के साथ इतनी प्यारी सी बात कह दी है तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और जैसे कि आपको पता है कि अब हमारे शो में वक्त हुआ है वॉइस नोट का और हम इस वक्त शामिल करते हैं आपका वॉइस नोट अपने शो में लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमें कोई मैसेज भेजें या किसी भी टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि हम डिस्कस करें तो हमारे डी नंबर पे अभी वॉइस नोट भेजें तो चलते हैं और सुनते हैं कौन और कहाँ से असल मेरा नाम अशवाक है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे अच्छा मैं अपना सिर्फ इतना मुद्दा आपके शो में रखना चाहूँगा कि माफिया ये एक तो मुझे समझाए कि ये है क्या और दूसरा कि ये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए जैसे कराची के अंदर आप देखते हैं कि टैंकर माफिया है बस माफिया है रक्षा माफिया है पता नहीं और भी पाँच सौ माफिया है तो मुझे ये बताएं कि इसका मतलब क्या है और ये होता क्या और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और ये अगर गलत है तो इसको बेहतर किस तरह कर सकते हैं सही है बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें बस इतना ही कहना चाहूँगा अल्लाह हाफिज़ बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन जो है वो मैं कहती हूं कि आपने सवाल उठाया है सवाल मेरे भाई ने ये किया कि माफिया क्या है आखिर क्या है

वो एक जगह जमा करना शुरू कर देती थी दस बारह किसी को पता थोड़ी चलेगा दस बारह ऐसे उठाकर एक जगह में जमा करती रहती अब यह है कि इतनी मैंने जमा की कि आपके पास जो है अब बची ही नहीं है या आप बिल्कुल अब जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि दूसरी बॉटल्स लाएं और आप प्रोवाइड करें ठीक है अब मेरे पास तो बहुत है अब मैंने जी क्या करना है अब मैंने क्योंकि अब आप प्यासे हैं आपको जरूरत है अब यही बॉटल्स जो कि 20 30 की मिलती है अब मैं सौ में बेचना शुरू कर दूंगी तो ये है जी माफिया जो कि आपकी ही चीज सबसे पहले जो है वो मार्केट से गायब करते हैं और उसके बाद जब आप बहुत मजबूर होते हैं तो आपकी जरूरत का फायदा उठाकर उसको जो है वो मजीद महंगे दामों में जो है वो आपसे ही बेच रहे होते हैं अपने तो बारे में क्या बता रही है। मैं हूं माफिया मैंने ऐसा नहीं कहा मैंने कहा मैं बहुत शरीफ हूँ वैसे तो मैं बहुत ज्यादा शरीफ हूँ और मैं बहुत शरीफ हूँ ये मैं बताती हूँ सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ सिर्फ पाकिस्तान में वाहन एक शख्स है शबाज साहब जो शरीफ है और मैं सादिक और अमीन होना जरूरी है जैसे मैं सादिक और अमीन हूँ और मेरे ऊपर ये टैग है कि मैंने, मैं सादिक और अमीन हूँ बड़ा लेकिन यह है की हमारे माफिया को कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और इंतजामिया की जिम्मेदारी है और आवाम की जिम्मेदारी है कि अगर आप देख रहे हैं कि कहीं पर जो है वो गड़बड़ हो रही है तो उसकी बाकायदा तौर पर जो है वो उस पर आपने भी एक्शन लेना है आप भी जी माफिया अगर दो दाम ज्यादा जो है वो कोई चीज बेच रहा है तो आप मेहनत से बचने के लिए उससे ही खरीदना शुरू कर देते हैं तो मत खरीदें थोड़ी मेहनत करें आगे जाए चाहे आपको दो तीन मील और चलना पड़े इस चीज के लिए या आपने दो दिन या तीन दिन मजीद इस चीज को ढूंढना पड़े ढूंढे लेकिन माफिया से ना खरीदे बहुत वैसे आपने काफी हकीकत के करीब ही सारी बातें की हैं लेकिन, लेकिन मैं करप नहीं कहूँ <laughs> लेकिन जो हमारे भाई ने हमसे सवाल किया और सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगी बहुत सेंसिटिव टॉपिक था यस yes. बेहद कि मैं बात करने से पहले भी सोच रही हूँ कि मैं कहूँ भी कि ना कहूँ क्योंकि देखें कोई भी मेरा मानना ये है कि इस मुल्क में ना चिड़िया भी अपनी मर्जी से पर नहीं जी।, जी। अगर कोई सरगर्मियां हो रही क्या है कोई बदमाश का इलाका है क्या चिड़िया भी पंख नहीं मार रही सुन ले ये अच्छा बात तो सुन ले मैं अपना कॉन्सेप्ट तो बता दूंगा चिंता ये बताए तो आ, कोई भी चीज इतनी बड़े पैमाने पे हो रही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसको कहीं से सपोर्ट ना मिली हो मतलब आप ये कहना चाह रही है हुकूमत भत्ता खा रही है मैंने हुकूमत का नाम नहीं लिया तो क्या कहना चाह रही है अमेरिका की सपोर्ट है देखें ऐसे काम करते ही नहीं के पकड़ में आए तो मैं ऐसी कोई बात कहूंगी नहीं के पकड़, के पकड़ में जाऊं ठीक है तो ये जब सर उठा रहे हैं माफिया जैसे तो होने ही नहीं चाहिए हाँ। ऐसा माहौल होना ही नहीं चाहिए लेकिन अगर सर उठा रहे हैं तो इसके पीछे जाहिर सी बात है इनकी बैक स्ट्रांग है जैसे कि हुकूमतें तब्दील हो गई दस चीजें होंगी हमें पता है उनकी बैक स्ट्रांग थी पीछे से उन पावर में थे सब लोग तो बिल्कुल माफिया के साथ भी वही सिस्टम है अगर वो संभाले हुए हैं काफी चीजें अच्छा मुझे एक बात बताएं आप लोग सब कि पर नहीं है, कौन से मुल्क में नहीं है, हर जगह तो so, तो मतलब हर मुल्क में स्टाइल उनका अपना अपना है जैसे कि यहाँ पर एग्जैक्टली exactly, यानी कि देखा जाए तो खुलेआम जो है पाकिस्तान में माफियाज को माना जाता है इसलिए जैसे कि ताजरों की अगर बात कर ली जाए तो अगर उनको ये बोला जाए ना कि जी आपको इतने दिन मार्केट बंद करनी है ये करना है वो करना है तो वो ऑर्डर नहीं मानते वो एहतजाज पर जो है वो बाहर निकल आते हैं वो कहते हैं कि जी हमें ये काम नहीं करना लेट सपोज जी बसेज जा आ जाती हैं ठीक है बसेज आती हैं उनके खिलाफ जो है कोई खूबसूरत या मतलब बेहतरीन तरीके से आवाम को हम लोग कोई अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा खटकना शुरू हो जाती है क्योंकि जो बसेस वो लोग रोड पर चला रहे हैं काफी अरसों से और उन्हीं से अपनी चीजें उन्होंने बनाई आप देखेंगे कि जो बसेस वाले होते हैं ना बहुत अमीर तरीन होते हैं हालांकि उनकी हालत से ऐसा लगता नहीं है मगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे ना इतना है, है। यहाँ पे जो फकीरों का माफिया जी। है। वो बारे को, हर बात में क्यों लाते हैं फकीर जगह जगह देखते हैं ठीक है वही बात है हर भी मांगने वाला भिखारी नहीं होता उसी तरह से हम अभी रियल भिखारियों की बात करें जैसा कुछ टाइम पहले ये रिवील भी हुआ था कि भाई अच्छी खासी प्रॉपर्टीज रखी हुई है अच्छी खासी गाड़ियां रखी हुई है लेकिन क्या है कि वो माफिया पूरा का पूरा अशफाक मियां बड़े मजाक किए हो बड़े मजाक किए हो मियां साहब पूछ रहे हैं अशफाक मियां साहब पूछ रहे हैं कि माफिया क्या है हम्म अशफाक मियां रोटी को चूची कहते हैं हाँ। पता आपको इतने नन्ने काकेन को नहीं पता जी तब आपको नहीं पता इतनी उम्र है आवाज से आया मैं बैठा वो लग रहे सत्तर अस्सी साल के जी नहीं, मुझे तो, लगा वो उनकी कराची तो, में तो ट्रेंड है पान मान खाना कि थोड़ी सी मोटी आवाज बुजुर्ग आदमी थे मतलब रिस्पेक्ट अपनी जगह लेकिन आपकी बात अपनी जगह जी आप कह रहे हैं माफिया क्या है माफिया क्या है क्या है क्या है पूछ रहा हूँ आपसे क्या है बताएं। मैं बताता दू माफिया क्या है वॉट इज माफिया जी माफिया की अगर इंग्लिश मीनिंग निकालें तो कंपनी ग्रुप ऑफ पीपल जो अपनी मर्जी चलाते हैं और वो हुकूमत के अंडर नहीं आते जी वो आ, कहीं भी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होती क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स है। और उर्दू में अगर बोले तो हम कहेंगे सियासत गलत, गलत डिशनरी खोल दी उर्दू वाली <laughs> उर्दू में कहेंगे वो लोग जो मजबूरी का फायदा उठाते हैं वो है असल माफिया माफिया ये माफिया जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है आपने बताया बहुत सारे लोग हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल चीनी माफिया है ये चाइनीज माफिया की बात नहीं कर रहा चीनी शुगर माफिया जी फिर राइस माफिया जी। फिर आम माफिया है आम मतलब ये नहीं आम खास मैंगो वाले भी माफिया है आ, आप तो कह रहे हैं ना कि फसलें तबाह हुई किसको पता हाँ। Who knows? Yes. तो ये माफिया हर जगह है हमने क्या करना है आवाम ने क्या करना है माफिया से कैसे बचना कैसे बचा घर से ना निकलो ठीक है गुड अगर चीनी महंगी कर रहे हैं चीनी मत पिओ मतलब चाय में डाल के या खीर बना के नहीं करो आप ऐसी कर सकते हैं ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा मैं सीरियस बात कर रहा हूँ नहीं नहीं मैं मजाक समझी भी नहीं आप हुकूमत की बातें फॉलो करते हैं मुझे अब अंदाजा हो गया नहीं नहीं देखे अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस भी ज्यादा है जब आप डिमांड उसकी कम करेंगे ये इकोनॉमिक्स का रूल है आई नो ओके व्हेन did i say you did not know i am saying इकोनॉमिक्स का रूल है। आम को बता रहा हूं कि अगर चीनी की कीमत फॉर एग्जांपल ₹500 किलो है आप चीनी खाना छोड़ दे फॉर अ व्हाइल एक हफ्ता दो हफ्ता

माशाल्लाह एसी वाले स्टूडियो में बैठ के बहुत कंफर्टेबल सीट पे बैठ के बहुत सारे में बैठ के ए सी फुल चला के कुंडा चला। लगा के बोलते हैं कि आवाम हुकूमत गलत कर रही है तो आप भी इतना हिस्सा डालें आवाम क्यों नहीं हिस्सा डालती तो बात मैं तन्हाई में रो लेती हूँ एहसास करके बाकी बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक का टाइम हो गया यही आंसू जी। ये जो मरावा जी के आंसू जाया नहीं जाएंगे क्योंकि हम ब्रेक लेंगे। लगाना चाहिए उसमें भी टैक्स लगा देना चाहिए टैक्स तो लगना चाहिए मेरे तो, तो सांस पे भी टैक्स होना चाहिए हाँ, मिलते हैं टैक्स वाले ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन और अभी सेगमेंट हुआ है जी तेज़ रफ्तार खबर का और पहली खबर मैं आपको बताऊं जैसे कि आपको पता है कि ईद आने वाली है और ईद की गहमा गहमी जो है वो तो इर्द गिर्द आपको नजर आ रही है जिस तरह से छाई हुई है आ, अगर आप अपनी जिस गलियों से आप जाते हैं या रोड पर देखें वहां भी आपको कहीं ना कहीं जो है वो अब ऐसी चीज़ें नजर आना शुरू हो गई हैं जिसमें अब आपको पता चलता है जी कि ईद जो है वो अब बहुत करीब है ईद नज़दीक है लेकिन हुआ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ एक

जो है बकरा मार्केट में हाँ ऐसा ही है ऐसा <laughs> ही है पाकिस्तानी बकरा चल रहे हैं आजकल <laughs> अच्छा। सा, सा, है, है। है। और ये भी बहुत छोटा है लेकिन तालीम कहाँ से हासिल की तालीम उन्होंने यहाँ से हासिल की पाकिस्तानी और पाकिस्तान में ही इलाज कराएगा <laughs> दिल <का> भी इलाज <laughs> लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो बकरा जो है वो बड़ी बड़ा ही खूबसूरत सा छोटा सा क्यूट बकरा है जो कि पंजाब में पैदा हुआ अच्छा बताने का मकसद ये है कि पंजाब में ये पैदा हुआ है लेकिन इसने जो टाइटल जीता है वो पूरे पाकिस्तान का जो है वो टाइटल जीता है कि ये पूरे पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत बकरा ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान का टाइटल इसने जीता वो तो हिना रबानी खर है लेकिन अगर ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान ये है तो आई अप्रिशिएट दैट जी। ये बकरा है ना <laughs> में। मतलब। <laughs> मैंने कुछ नहीं कहा आप okay. yeah. चले जी आप तो बकरा लेकर वो भी बहुत खूबसूरत <laughs> मैं तस्वीर लेकर आई मेरी कहाँ मैं पाकिस्तानी मेरी कहा औकात ना दो हजार आए तो कैसे बकरा खरीदती मैं मतलब दो हजार ऑस्ट्रेलियन बैल ला दूंगा फिलहाल हिस्सा डालेंगे एग्जैक्टली दो हजार रुपए में बहुत कुछ हो सकता है आप सकती है और अपनी पुस्तों को भी खिला सकती हैं आप सोचें हाँ। जरा दो हजार रूपए दो हजार मिल रहे हैं अल्लाह का शुक्र शुक्र पे नहीं हुआ लेकिन दो हजार नहीं सही ना अच्छा दो हजार मगर यूनेस लोगों का ये कहना है की <laughs> <जार laughs> जी हम लोग लंडन भी जाएंगे अपना इलाज भी करवाएंगे अपने बंगले भी बनवाएंगे लंडन जाकर जो है नवाज शरीफ साहब के साथ हम मिलेंगे भी मतलब बहुत सारी करने का यानी की उनको पूरा प्लान है की जी वर्ल्ड टूर करना है में जी

साहबा ने भी देखा था उनका ट्वीट आया था कि उन्होंने देखा है वो वाली बात नहीं हो रही अच्छा, ये दूसरी अच्छा, बात अच्छा, जी, जी, है। जी, ये वो वाली लिजर्ड है कि जो मतलब साइज में बहुत बड़ी होती होती है है यानी कि क्रोकोडाइल से थोड़ी छोटी हाँ। बट ये छोटी कजन है जी जी उनकी कजन है बिल्कुल आपने सही कहा उनकी कजन है लेकिन ये यूनस सियासतदानों की बात नहीं है हाँ प्लीज उन सियासतदानों की बात नहीं हो रही ये बाकी में एक्चुअल में थोड़ा डरने वाली बात है अच्छा ये पैदा कहाँ पर होती है कि जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी हो जहां पर बहुत ज्यादा बेरानगी हो ये वहां पर पैदा होती है और अच्छा, आला तालीम वाह 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 ये जाएंगी अब यूएसए अच्छा। पर जाकर जो है अपनी आला तालीम जो है हासिल करके वापिस आएंगे और यहाँ पर आकर किसको डसेंगी किसको या तो आप या तो मैं <laughs> मैं तो ऊपर चढ़ जाऊंगा आप क्या करेंगे आपको पता है किसको डसेंगे खैर मैं आपको बताती हूँ कि जी ये लाइन्स एरिया में जो है वो एक लिजट पकड़ी गई है

हाँ तो हो हो भी ये अंदर से जो आपका सी आई डी निकला है ना <laughs> कुछ तो गड़बड़ है बच्चे भी होंगे जी तो जी वहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं जी बहुत ज्यादा खतरनाक है बट आप लोग देखें ना वाइल्ड लाइफ वाले जो हैं उन्होंने जब रिसर्च किया उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि जी ये खतरनाक नहीं है सिर्फ देखने में थोड़ी खतरनाक लगती है मगर ना तो ये नुकसान देती है और ना ही किसी को जो है वो तंग करती है लेकिन अगर खुर्शियाद चिपकली को देखा जाए तो चिपकली वैसे भी जहर है

देखी है। आप भी वहाँ पे रहे हैं। जब हम बाय ट्रेवल कर नहीं नहीं रहे देखी, होते हैं देखिए आपने देख बाई रोड हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो बीच में रेगिस्तान हमें काफी मिलते हैं तो वहाँ पे बहुत कॉमन है ये ना मतलब

दूसरी वाली लिजर्ट के पीछे भी लगे हुए तो प्लीज आप लोग अगर आप लोग कहीं रहते हैं तो आप ख्याल कर सकते ख्याल ओ, करें, ओ, ये, ख्याल ओ, करें, कराची में हमला हो चुका है, है लेकिन ये मैं तो देख चिपकली वैसे में अपने में ही बहुत गंदी होती है पूरे की छिपकलियाँ खा जाए अच्छा उसकी जो जुबान है ना वो बहुत ज्यादा लंबी है औरत की जुबान सबसे ज्यादा लंबी छिपकली की जो जुबान है आती है

नहीं हुँ? जो उमर दराज चाहते माँ बाप की अपनी मैं उमर दराज को नहीं जानता <laughs> ना ही मैं जानता हूँ ना मैं चाहता हूँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो बोलते हैं ना कि छोटी हो अच्छी हो प्यारी ना मरना कोई ना नहीं चाहता हर एक इंसान का ना अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह करे अभी मौत का फरिश्ता आ जाए ना आपके सामने और वन टू वन टॉक हो रही है तब उसको बोलेंगे कोई बीच का रास्ता निकालो नहीं, हाँ। नहीं।, हम, नहीं हम, हम हम जिस उम्मत से हैं नफ्सिन मौत हमें पता है वो है है हमें पता हमारा हमारा ईमान नहीं डरते लेकिन फिर भी बात ये है कि सर पे जब मौत आ जाए तो हर कोई मोहलत जरूर चाहता है ये तो एक है मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाहूंगी कि हर कोई नहीं कोई कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि जी सिर्फ हमें कलमा पढ़ने का जो है वो मौका मिलना चाहिए और ये हर एक इंसान को जो है अपने दिल में ये बात रखनी चाहिए कि जब भी आपको मौत आने वाली हो या मतलब आपको तो पता नहीं है मगर कभी ऐसी सिचुएशन आपकी क्रिएट भी हो जाए तो आपने फौरन तौर पे जो है वो कलमा आ, आ, पढ़ना चाहिए बिफोर दैट रिसेंटली uh, हमारे uh, डायरेक्टर साहब हैं उनके वालिद का इंतकाल हो गया तो आई रिक्वेस्ट माय ऑडियंस माय टीम एवरीवन सूर्य फातिहा पढ़ लें सूर्य खलास पढ़ लें उनके लिए मफद की दुआ करना नाम है उनका हो गया। जी। नहीं चाहती नहीं, आप लोगों की नहीं बिल्कुल नहीं मैं में मरना नहीं चाहती बस इतना जी, बिल्कुल। ओ, मुझे खूबसूरत है लेकिन आप बूढ़ी ना हो फिर मतलब ये कैसे ये कैसे मुमकिन है होने को कुछ भी हो सकता है जैसे की अभी हुआ ये है कि यूके में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आ, कुछ इन्वेंशन किए हैं बेसिकली उन्होंने ऐसा ड्रग निकाला है मतलब ऐसा ड्रग हो है जो कि आपकी बॉडी के अंदर के जोम्बी सेल्स को ख़त्म कर देते हैं लेकिन उसकी वजह से होता क्या है उसकी वजह से चांसेस ये बढ़ गए हैं कि इंसान की जिंदगी 200 साल लंबी हो सकती है 200 साल मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे अगर सियासतदान दो सौ साल मजीद जिंदा रहने लगे सही बात है वो बन जाएंगे कहाँ पहुंच जाएगा हमारे मुल्क का क्या होगा दुनिया पे राज अब, अब, देखें आप खुद समझदार है ये इन्वेंशन भी जो हुई है यूके में ही हुई है और हमारे दान भी भाग यू यूके चले और ये शायद मुझे ऐसा लगता है यूके में हुई है तो शायद कोई मजीद उम्र चाहती होगी क्वीन ऑफ इंग्लैंड अभी तक नहीं गई जी बिल्कुल कुछ सात आठ प्रेजिडेंट निकल चुके हैं उनके टेन्योर में वो नहीं जा रही अल्लाह लंबी उम्र दे सबको दे स्पेशली हमारे माँ बाप को हैं। क्या आपको रात को सोने में प्रॉब्लम होती है तो बेड का एक स्क्रू होता है उसको टाइट कराएं अक्सर बेड <laughs> इंसॉमिया की बात कर रहा हूँ क्या आप बेड पे लेटे हुए हैं नींद आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही नहीं आती वो यार है ख्यालों में ऐसा हुआ है जब इंसान काम से थका हुआ होता है ना तब तो फौरन नींद आ जाती है लेकिन जब बात है आपका दिन इतना बिजी नहीं गुजरता तब सोने में मुश्किल होती है कुछ होती है। भी नहीं सो पाते That is called insomnia. Yes. Starting from उर्शा जी क्या आपको ये तकलीफ हुई है रोज ही होती है मगर ये है कि थके भी होते हैं या कभी कभी काम ऐसा होता है कि आप सारा सारा दिन घर पर भी हैं

तो मतलब वाँ 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 वाँ। ऐसा वाँ। हो जाता है कि जब आप डिप्रेस हो या आप ओवर थिंक कर रहे हो तब नींद आना सोना बेहद मुश्किल हो जाता है लेकिन अपने आप को मसरूफ कर लें बिजी कर लें कामों में इतना मगन हो जाए कि कोई याद आपको आए नहीं और आप थक के सो जाए बहुत अच्छा अपने शेर पढ़ा मैं भी अर्ज करूंगा मुझे नहीं आ रही नींद

अगर आपको नींद नहीं आ रही तो सोल्यूशन रॉक स्टार लेकर आया है करोड़ का एक स्पेशल पिलो एक तकिया तैयार हुआ है जो इंसोमिया पेशेंट्स के लिए है अगर आपके पास 1.2 करोड़ रुपीस है तो तकिया लीजिए और आप सो जाइए और अगर आपने कंप्लेन की उसके बाद नींद नहीं आई तो कहूंगा ना शुक्र एक करोड़ का तकिया लेके भी नींद नहीं आ रही तो देखा टाइम हो गया ये खरीदने की सोच में ही नींद नहीं आने वाली पैसे वालों को वैसी नींद नहीं आती होगी वो अफोर्ड कर लाइक मी अमीर आदमी सकता के छोटे वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं ये तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दो कैरेक्टर्स हैं दो एक्टर्स हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्कर्स दो लोगों को नॉमिनेट किया गया फॉर प्रोट्रिंग द सेम कैरेक्टर एंड द फिल्म वॉज टाइटेनिक रोज रोज ये वो गुलाब वाला रोज भी और रोज okay. के रोज हम yes. जिम जाते हैं वो वाला रोज भी आई एम पासिंग दिस रोज टू सना जे

आइन <laughs> यू सना जी और मेरा फैक्ट ये है कि क्या आपको मालूम है यूएस में कम से कम भी पांच हजार ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को वायरस कहते हैं क्यों 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 नो वो कहते हैं हम हैं तो हैं तुम्हारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ तो आप कह रहे हैं पांच हजार लोग हैं हमारे यहाँ लाखों लोग हैं जो अपने आपको पंजाबी कहते हैं सिंधी कहते हैं <laughs> पठान कहते हैं काश, नहीं कहते काश ना? काश एक जो, कह जो, है, है जो चीज नहीं होने वाली होती हम वो उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं यानी ओवर थिंकिंग हम करते रहते हैं और वो वाकई में हो जाती है बिल्कुल जैसा गुमान करेंगे वैसा ही एग्जैक्टली exactly. जी 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 जो एनर्जीज आप पास करते हैं घूम के वापस आती है प्लीज पासिटिव एनर्जी अगर आप चाहते हैं कि अगला इंसान आपसे मोहब्बत में गिर जाए uh -huh. fall in love हो जाए uh -huh. तो आप उससे कंटिन्यूस बातें करें और यह एक ट्रिक भी है निजर टेक्निक भी है I am passing this ninja technique, जिसके पास पास बहुत है टू सरा जी। <laughs> है है <laughs> अच्छा, है जी, है 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 वो 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 मोहब्बत की की नहीं अच्छा मेरे जो जो जी कहता कि इंसान दिन तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। मरने के बाद तीन सेकंड तक जो है वो उसका दिमाग काम कर सकता है लेकिन इंसान जो है वो एक सेकंड भी बिना उम्मीद के जिंदा नहीं रह सकता मराबा जी थैंक यू सना जी और मेरा जो फैक्ट है बेसिकली एक स्टडी के मुताबिक जैसे कि हम सबको बड़ा मजा आता है वो नहीं बबल रैप जो होता है हो उसको उसको पटक 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 उसको पॉप करने में तो बेसिकली एक स्टडी के मुताबिक कहा गया है कि, कि आप बीमार हैं आप ذہنی मरीज हैं अगर आपको ये शौक है ऐसा नहीं उसकी वजह से आप काम फील करते हैं और जागे भी रहते हैं यानी कि हो जाते हैं आप वो दौड़ना ये ना बहुत अच्छा है कभी कीजिएगा आप कभी ऐसा होता है स्ट्रेस में भी होते हैं ना तब भी आप अगर शुरू हो जाए इतना मजा आता है स्ट्रेस के अलावा भी मुझे तो मिल जाए तो मैं तो कोपिंग शुरू हो गई थी माइंड ड्राइवेट होता था एक बार आपको फर्नीचर मार्केट से निकाला गया इसी बात पे आप अपने फाड़ रहे हैं Please pass the ball. आपको तो और, लगी होती है और आप कहते कि मैं ये भी खा लूंगा ये भी खा लूंगा बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लेते हैं <laughs> उसके बाद क्या होता है आप थोड़ा सा खाना खाते हैं और बाकी खाना जो है वो आपको पैक करवाना पड़ता है आ, और ये ये आंखों की भूख नहीं मरती है फैक्स का टाइम खत्म होता है सस्ती का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से <laughs> <आप पूछें? laughs> जी जी है जो होती तो गीली है लेकिन ड्राइंग करंट लगेगा उससे जी वॉशिंग मशीन भी नहीं है नहीं वॉशिंग मशीन भी नहीं है उसमें टॉवल एसी टावल छाल बर्गर बोलेंगे ब्रिटिश इंग्लिश छाव चाल एंड गुड बराबर जी एक मिनट वो गीला कहाँ होता है जब, आप गी हाँ गीले मुंह को आप सुखाएंगे तो वो गीला हो जाएगा फिर टूट तो जाएंगे एंड द करेक्ट आंसर इज बाय मदिया जी प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए अपना प्राइज लीजिए आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ जी पूछिए एक दादा वो घर से निकले हल्की सी बूंदाबांदी हुई उसके बाद बारिश हुई फिर तेज बारिश गरज चमक के साथ जी 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 फिर तूफान आया अच्छा। वो अम्ब्रेला भूल गए छतरी लाए ठीक है तो वो वापस घर आए तो ए टू जेड यहाँ से पांव तक सब गीले, लेकिन उनका एक बाल भी गीला नहीं हुआ क्योंकि वो गंजे थे <laughs> 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 वो चार लेटर्स का कोई वर्ड बताए जी जी चार लेटर्स का कोई वर्ड बताएं, जिसको आप करें तब भी सेम आता है उसको अपसाइड डाउन कर दें तब भी सेम आता है आई एम गिविंग यू सेवन ये थ्री बहुत, जी, जी, बहुत था जी जी बताइए करेक्ट आंसर इज मैं अभी क्यों बताऊं अवाम अगर आप समझते हैं ये बहुत इजी था तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपना प्राइस लीजिए लेट मी टेल यू जी मुझे समझ आ गया ठीक है ठीक है आप अगले शो में बताएगा सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है हम्म पोएट्री का टाइम शुरू होता अब ब्यूटीफुल पोइट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट यस मराबा शेख थैंक यू यूनिस खान और एक खूबसूरत सी शायरी आप लोगों की नजर करना चाहती हूं मुलाइज फरमाइए इरशाद इरशाद उसने दिल का हाल बताना छोड़ दिया हमने गहराई में जाना छोड़ दिया वाह! जब उसको ही दूरी का एहसास नहीं हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया वाह वाह वाह! वा। मैंने कहा रास्ते हैं दुश्वार बहुत उसने तब से साथ निभाना छोड़ दिया वाह 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 वा। जब ये कहा कि करना याद दुआओं जब ये कहा कि करना या दुआओं में तो उसने दुआओं में हाथ उठाना छोड़ दिया बहुत खूबसूरत और बहुत डीप वेरी नाइस तो ये पाकिस्तानी <laughs> <laughs> जो कि निकल भी नहीं रही से आ तो तो रही है मोलामान की जुबानी है बहुत मुख्तर सी लेकिन कुछ लोगों के वाकई दिल के बहुत करीब है ये जो मैंने कुछ उशार पेश किए उम्मीद है कि आप सबको जैसे पसंद आई वैसे आप पसंद लोगों को भी वैसे आप लोगों को भी पसंद आई होगी इसी के साथ हमारे शो का वक्त खत्म होता है अपना बहुत सारा ख्याल रखें हम सबको दुआओं में याद रखें आपसे फिर नेक्स्ट शो में मुलाकात होती है और ढेर सारी बातें होती हैं तब तक के लिए अल्लाह